हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारे टॉपिक है प्रसव और दुग्ध स्रवण। यानी इसमें हमें प्रसव क्रिया के बारे में पढ़ना है और दूसरा दुग्ध स्रवण क्रिया के बारे में इसके अंदर स्टडी करना है। अब सबसे पहले हम प्रसव के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद दुग्ध स्रवण या लैक्टेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो प्रसव में सबसे पहले एक डेफिनेशन है गर्भकाल या गेस्टेशन पीरियड। अब मनुष्य के अंदर हम इस प्रोसेस को पढ़ रहे हैं, इसलिए मनुष्य से रिलेटेड इसकी डेफिनेशन क्या है। मनुष्य में निषेचन क्रिया से लेकर प्रसव तक लगभग 9 महीने 38 सप्ताह या 266 दिन का समय लगता है, जिसे हम गर्भ काल कहते हैं। निषेचन से लेकर प्रसव क्रिया तक जो समय लगेगा 9 महीने या 38 सप्ताह लगभग, या फिर बोल सकते हैं 266 दिन, तो इस टाइम पीरियड को ही गर्भ काल के नाम से या गेस्टेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। यानी निषेचन क्रिया हुई, शुक्राणु अंडाणु मिले, उससे लेकर बच्चे का जो जन्म होगा उस तक का समय गर्भकाल या गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। नेक्स्ट इसमें प्रोसेस प्रसव या प्रसव को ही हम पार्चुरेशन भी कहते हैं। प्रसव को इंग्लिश में पार्चुरेशन के नाम से जाना जाता है। तो प्रसव क्रिया तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया द्वारा प्रेरित होने वाली प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक तंत्रिका, दूसरा अंतःस्रावी। यानी प्रसव क्रिया के अंदर तंत्रिका तंत्र भी कार्य करता है और अंतःस्रावी तंत्र भी कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्रों द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, उन प्रक्रियाओं से प्रसव संपन्न होता है। तंत्रिका तंत्र द्वारा भी इसमें योगदान दिया जाता है और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा भी इसके अंदर योगदान दिया जाता है। डेफिनेशन या परिभाषा इसकी क्या होती है, नवजात शिशु के जन्म लेने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। यानी जो शिशु है उसके जन्म लेने की प्रोसेस, जन्म लेने की प्रक्रिया प्रसव के नाम से जानी जाती है। होती किस प्रकार से संपन्न है, जो पूर्ण विकसित फीटस है यानी 9 महीने का जो फीटस हो चुका है वह, और प्लेसेंटा, प्लेसेंटा वह संरचना है जिससे माता और फीटस का आपस में संबंध रहता है। तो पूर्ण विकसित गर्भ और प्लेसेंटा से कुछ संकेत उत्पन्न होते हैं। इन संकेतों के कारण गर्भाशय में हल्के संकुचन उत्पन्न होते हैं। यानी ये जब संकेत या सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे तो गर्भाशय अंदर से हल्के हल्के रूप में संकुचित होना स्टार्ट होता है, और जब गर्भाशय में हल्के संकुचन होंगे तो इस प्रकार के प्रतिवर्तों को गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त के नाम से जाना जाता है। यानी गर्भ और प्लेसेंटा में उत्पन्न संकेतों के कारण गर्भाशय में हल्के संकुचनों का उत्पन्न होना गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहलाता है। इसे हम गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। तो जो संकेत उत्पन्न होंगे गर्भ और प्लेसेंटा से, तो गर्भाशय में उनके कारण हल्का संकुचन होगा, उसे हम गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। अब ये प्रतिवर्त जो उत्पन्न हुए हैं ये पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। जो गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त है या गर्भाशय में जो हल्के संकुचन उत्पन्न होंगे वो पीयूष ग्रंथि का प्रेरण करते हैं, पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करते हैं। इनके प्रेरण के प्रभाव से पीयूष ग्रंथि द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। यानी इन प्रतिवर्तों से पीयूष ग्रंथि प्रेरित होगी, जिसके कारण पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रवण होगा। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय की चिकनी पेशियों के संकुचन के लिए उन्हें प्रेरित करता है। यानी जो गर्भाशय के अंदर जो पेशियां पाई जा रही है उनको संकुचित होने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रेरित करेगा, जिससे गर्भाशय में होने वाले संकुचन तेज हो जाते हैं। यानी जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन इनको प्रेरित करेगा तो जो हल्के संकुचन थे वो हल्के संकुचन तेज गति से होना शुरू हो जाते हैं, गर्भाशय तेजी से संकुचित होना स्टार्ट हो जाता है।
जब तेज संकुचन होंगे गर्भाशय में तो गर्भ या फीटस को सर्विक्स की ओर धकेला जाता है। सर्विक्स गर्भाशय का वह भाग होता है जो योनि या वेजाइना से जुड़ा होता है। तो तेज संकुचन होने पर गर्भाशय तेजी से संकुचित होगा, जिससे उसे नीचे की ओर सर्विक्स भाग की ओर गर्भ को धकेला जाएगा। अब जब गर्भ को सर्विक्स भाग की ओर धकेला जा रहा है, तो इसके प्रभाव से पीयूष ग्रंथि और ज्यादा उत्तेजित होती है और अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीटोसिन का स्रवण करेगी। यानी जब गर्भ गर्भाशय से नीचे सर्विक्स में आ रहा है, सर्विक्स भाग में आ रहा है, पीयूष ग्रंथि का और ज्यादा उत्प्रेरण होता है। उस उत्प्रेरण के कारण ऑक्सीटोसिन अधिक मात्रा में और ज्यादा सिक्रेट होता है। जब ऑक्सीटोसिन अधिक मात्रा में सिक्रेट होगा तो ये संकुचन तीव्रतम हो जाते हैं, यानी बहुत तेज गति से इन संकुचनों को किया जाता है। और तेज गति से या तीव्रतम गति से संकुचन होने के कारण फीटस या गर्भ सर्विक्स में आ जाता है, सर्विक्स से फिर योनि या वेजाइना में आ जाता है और वेजाइना के माध्यम से इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम प्रसव या पार्चुरिशन के नाम से जानते हैं। यानी जो नवजात शिशु है उसके जन्म लेने की प्रोसेस या प्रक्रिया प्रसव या पार्चुरिशन कहलाती है। अब अनेक महिलाओं के अंदर ये जो प्रसव पीड़ा है, ये जो पूरी स्टेज पूरी हमने अभी स्टेजेस पढ़ी है, ये जो प्रसव पीड़ा उत्पन्न हो रही है, ये उत्पन्न नहीं हो पाती है। तो उनके अंदर प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करने के लिए डॉक्टर द्वारा मिसोप्रोस्टॉल और पिटोसिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। ये इस प्रकार के हार्मोनल इंजेक्शन है जो प्रसव पीड़ा को स्टार्ट करने का कार्य करते हैं। और प्रसव पीड़ा जो है सर्विक्स भाग के अंदर फीटस के पहुंचने और सर्विक्स भाग का मुख खुलने के कारण उत्पन्न होती है। ये जो सर्विक्स भाग है यहाँ पर फीटस पहुंचेगा, उसका मुख खुलेगा, उसका संकुचन होगा, फैलाव होगा, उसके कारण ये प्रसव पीड़ा या लेबर पेन उत्पन्न होता है। अब इस क्रिया में प्रसव क्रिया में एक रिलैक्सिन हार्मोन और सहायक होता है। हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन। इस रिलैक्सिन हार्मोन द्वारा जो श्रोणि मेखला है उसके जॉइंट प्यूबिक सिम्फाइसिस को ढीला करने का कार्य किया जाता है। नाम में ही है इसके रिलैक्सिन, रिलैक्स करने वाला हार्मोन। तो श्रोणि मेखला की अस्थियों के बीच जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट पाया जा रहा है उसको ढीला करने का कार्य रिलैक्सिन करता है और यह हार्मोन प्रसव क्रिया को सरल बनाने में सहायक होता है। तो इस तरह से जो प्रसव या पार्चुरेशन की जो प्रोसेस है वो मानव के अंदर संपन्न होती है। इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रसव और दुग्ध श्रवण वाले लेक्चर में हम प्रसव क्रिया का अध्ययन कर चुके हैं कि प्रसव क्रिया एक तंत्रिका अंतःस्रावी क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसमें एक प्रमुख रोल प्ले करता है, रिलैक्सिन हार्मोन भी उसके अंदर सहायक होता है। तो इस लेक्चर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दुग्ध श्रवण या लैक्टेशन। अब दुग्ध श्रवण सीधे सिंपल भाषा में हम बोलें तो दुग्ध स्तरण प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मादा की स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्रवण होता है और यह दुग्ध जो शिशु है नवजात शिशु है उसे पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, जब गर्भ अवस्था शुरू होती है, प्रेगनेंसी शुरू होती है, तो 5वें सप्ताह से प्रसव क्रिया तक पीयूष ग्रंथि के द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन या जिसे हम शॉर्ट में PRL बोल सकते हैं उसका स्रवण किया जाता है। यानी पीयूष ग्रंथि गर्भावस्था के 5वें सप्ताह से प्रसव क्रिया तक प्रोलैक्टिन हार्मोन या PRL हार्मोन का स्रवण करती है। पीयूष ग्रंथि में भी अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा इस हार्मोन का स्रवण किया जाता है।
ये जो पीआरएल हार्मोन है मादा के अंदर दुग्ध निर्माण में सहायक होता है, यानी दूध के निर्माण में सहायता करने का काम इस पीआरएल या प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। इसके बाद एक सेकेंड हार्मोन होता है ह्यूमन कॉरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन, शॉर्ट में इसे बोला जाता है HCST, सोमेटोमेमोट्रोपिन। तो प्लेसेंटा के द्वारा यह हार्मोन स्त्रावित होगा और यह HCST हार्मोन भी दुग्ध निर्माण के अंदर सहायता प्रदान करता है। तो दो हार्मोनों के द्वारा स्तन ग्रंथियों में दुग्ध के निर्माण को प्रेरित किया जाता है, एक पीआरएल है, दूसरा एचसीएसटी है। पीआरएल का स्त्रवण अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा होगा, एचसीएसटी का स्त्रवण प्लेसेंटा के द्वारा या अपरा के द्वारा किया जाता है। अब जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म के समय मादा के स्तनों से एक गाढ़ा पीला रंग का तरल स्रावित होता है। जन्म लेने के तुरंत बाद मादा के स्तनों से एक पीला गाढ़े रंग का तरल स्रावित होता है, जिसे हम कोलेस्ट्रम या खीस या नवदुग्ध के नाम से जानते हैं। यानी जन्म लेते ही मादा की स्तन ग्रंथियों से गाढ़ा पीले रंग का तरल स्रावित होगा, कोलेस्ट्रम, खीस या नब्ध दुग्ध के नाम से उसे जाना जाता है। अब इसमें सामान्य दुग्ध की तरह प्रोटीन और शर्करा होती है, लेकिन उसके अलावा कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी या एंटीबॉडी पाई जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं IgA का पूरा नाम है इम्यूनोग्लोबिन ए, उसके अंदर कोलेस्ट्रम में पाई जाती है। और इस IgA का काम शिशु में प्रतिरक्षा उत्पन्न करना होता है, एक प्रकार की निष्क्रिय प्रतिरक्षा को शिशु में या बच्चे में IgA के द्वारा प्रदान किया जाता है। IgA के द्वारा, इम्यूनोग्लोबिन ए के द्वारा बच्चे में निष्क्रिय प्रतिरक्षा को उत्पन्न किया जाता है, जिससे बच्चा किसी भी रोग के रोगाणु जीवाणु उसके अंदर आए तो उन्हें नष्ट करने में सक्षम हो सके। इसीलिए जन्म के बाद इस कोलेस्ट्रम को बच्चे को पिलाया जाना आवश्यक होता है, क्योंकि यदि ये कोलेस्ट्रम नहीं पिलाया गया बच्चे को तो उसके अंदर ये इम्यूनोग्लोबिन ए नहीं जाएंगे और उसके अंदर प्रतिरक्षा उत्पन्न नहीं हो पाती है, सही प्रकार से उसके अंदर प्रतिरक्षा उत्पन्न नहीं होगी। इसके बाद जो दुग्ध स्रवण हो रहा है, इस दुग्ध स्रवण का मार्ग किस तरह से होता है, दुग्ध स्रवण किस प्रकार से संपन्न होता है या मार्ग किस तरह का है, तो मार्ग के अंदर क्या है, सबसे पहले दुग्ध था स्तन कूपिकाओं के अंदर, स्तन की संरचना के अंदर हमने मादा जनन तंत्र में पढ़ा है कूपिकाएं पाई जाती है अंदर ही अंदर संरचना। तो स्तन कूपिकाओं से दूध पहले आता है दुग्ध पाली में, यानी जैसे ये स्तन कूपिकाएं हैं, इन स्तन कूपिकाओं से दूध किसके अंदर आएगा, स्तन पाली के अंदर आएगा। स्तन पाली से ये आता है स्तन वाहिनी में, स्तन पाली से स्तन वाहिनी में आता है। इसके बाद स्तन वाहिनी से स्तन तंत्रिकाओं में आता है, जो स्तन ग्रंथियों में जो तंत्रिकाएं पाई जा रही है या स्तन नलिकाएं जो पाई जा रही है, उन तंत्रिकाओं के अंदर इस दुग्ध का स्रवण होगा, ये दुग्ध इनके अंदर आ जाएगा। इसके बाद स्तन तंत्रिका से ये जाता है दुग्ध वाहिनी में, दुग्ध वाहिनी के अंदर इसका गमन होगा। और दुग्ध वाहिनियां जो है, अनेक दुग्ध वाहिनियां वक्ष भाग पर या स्तन भाग पर एक निप्पल में खुलती है, जिसे हम वक्ष निप्पल बोलते हैं, तो उसके अंदर जाकर ये खुल जाती है। यानी इसका मार्ग क्या है, स्तन कूपिकाएं थी, ये स्तन कूपिकाएं हैं, स्तन कूपिकाओं से ये आया दुग्ध पाली में, दुग्ध पाली से स्तन वाहिनी में, स्तन वाहिनी से स्तन तंत्रिका में, स्तन तंत्रिका से दुग्ध वाहिनी के अंदर, और दुग्ध वाहिनी से निप्पल भाग के अंदर, जो वक्ष का निप्पल भाग है वहां तक प्रवाहित होता है। तो इसे दुग्ध स्रवण का हम मार्ग कहते हैं, किस तरह से दूध का फ्लो निप्पल वाले भाग तक या वक्ष के निप्पल वाले भाग तक संपन्न होगा। नेक्स्ट, जो ये दुग्ध स्रवण की क्रिया है, प्रसव क्रिया के समान ही यह भी तंत्रिकीय हार्मोनल क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है।
यानी इसके अंदर भी तंत्रिकीय हार्मोनल क्रियाविधि पाई जाती है। जिस प्रकार प्रसव क्रिया में तंत्रिकीय हार्मोनल क्रियाविधि पाई जा रही थी, उसी प्रकार इसमें भी तंत्रिकीय हार्मोनल क्रियाविधि पाई जाएगी। अब इसका मतलब क्या है तंत्रिकीय हार्मोनल क्रियाविधि का? यहाँ तंत्रिकाओं का भी इसमें कार्य होगा और हार्मोनों का भी कार्य होगा, या हम ये बोल सकते हैं तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दुग्ध स्त्रवण की क्रिया में सहायक होते हैं। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र की आपस में जो क्रियाएं होंगी या उन दोनों की क्रियाओं से दुग्ध स्त्रवण की क्रिया संपन्न होती है। किस प्रकार से संपन्न होती है? सबसे पहले नवजात शिशु स्तन का चूषण करता है, निप्पल जो भाग है स्तनों का उसका वो चूसेगा या चूषण करेगा, जिसके कारण तंत्रिकीय संवेदी आवेग उत्पन्न होते हैं। तंत्रिकाओं के अंदर उत्तेजना होती है तो तंत्रिकीय संवेदी आवेग उत्पन्न होंगे। ये आवेग हाइपोथैलेमस के अंदर जाते हैं, जो तंत्रिकीय संवेदी आवेग उत्पन्न हुए हैं वो हाइपोथैलेमस के अंदर गमन करेंगे। हाइपोथैलेमस में जब ये आवेग जाते हैं तो हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है या उत्तेजित करता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा पीयूष ग्रंथि का उत्तेजन किया जाता है और पीयूष ग्रंथि का जब उत्तेजन होगा तो पश्य पीयूष ग्रंथि के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्त्रावित होता है। ये वही हार्मोन है जो प्रसव क्रिया में भी सहायक है। तो पश्य पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रवण करेगी। इसके बाद यह ऑक्सीटोसिन रक्त के द्वारा स्तन भाग में आता है। ऑक्सीटोसिन को छोड़ दिया जाएगा रक्त में और ये रक्त के द्वारा स्तनों के अंदर आता है। स्तनों में आकर ये स्तन कोशिकाओं में जो स्तन ग्रंथि पाई जा रही है उनकी उपकला कोशिकाओं का संकुचन करता है। स्तन के कोशिका वाले भाग में आया, इस कोशिका में जो स्तन ग्रंथियां है उनके ऊपर जो उपकला कोशिका है उसके संकुचन को यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रेरित करता है। और जब इसका संकुचन होगा उपकला कोशिकाओं का तो दुग्ध कोशिकाओं से दुग्धपाली स्तन वाहिनी स्तन तंत्रिका से होकर दुग्ध वाहिनी से होकर निप्पल वाले भाग तक आ जाता है। तो इस प्रकार से तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र इन दोनों के द्वारा तंत्रिकीय हार्मोनल क्रियाविधि होती है और इस तंत्रिकीय हार्मोनल क्रियाविधि के माध्यम से दुग्ध स्त्रवण या लैक्टेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। अब ये जो दुग्ध स्त्रवण की प्रोसेस है एक प्रकार का प्रतिबंधित प्रतिवर्त है, कंडीशनल रिफ्लेक्स भी हम इसे बोल सकते हैं। यह एक प्रकार का कंडीशनल रिफ्लेक्स है या प्रतिबंधित प्रतिवर्त है। प्रतिबंधित प्रतिवर्त क्यों बोला है? क्योंकि जब तक बच्चा इस बक्ष के निप्पल भाग का चूषण नहीं करेगा तब तक बक्ष के स्तन वाले भाग से दुग्ध का निष्कासन नहीं होगा। तो यह कंडीशन जुड़ी हुई है, यानी बच्चा जब चूषण क्रिया करता है तो ही स्तनों से दुग्ध का स्त्रवण होगा। बच्चे के द्वारा निप्पल भाग को चूसने पर जो प्रतिवर्त उत्पन्न होते हैं उन्हें हम चूषण प्रतिवर्त बोलेंगे। और चूषण प्रतिवर्तों के कारण जो कोशिकाओं से दूध को निष्कासन करने के मैसेज दिए जाते हैं उन्हें हम निष्कासन प्रतिवर्त बोलते हैं। तो दो प्रकार के प्रतिवर्त इसके अंदर कार्य करते हैं, चूषण प्रतिवर्त और निष्कासन प्रतिवर्त, इसलिए इसे हम प्रतिबंधित प्रतिवर्त बोलते हैं। यानी यहाँ कंडीशन जुड़ी हुई है, बच्चा जब दुग्ध का पान करने के लिए निप्पल भाग का चूषण करेगा तो ही दूध का निष्कासन कोशिकाओं की स्तन ग्रंथि की उपकला कोशिकाओं से होगा, अन्यथा दुग्ध का स्त्रवण नहीं होगा। कंडीशन जुड़ी हुई होने के कारण इसे प्रतिबंधित प्रतिवर्त के नाम से जाना जाता है, इसे प्रतिबंधित प्रतिवर्त कहते हैं। तो इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।